हाँ है गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं। आज हम आटे का हलवा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम कढ़ाई लिए हैं और हम गैस को ऑन कर देते हैं। एक कप घी है, देसी घी है और खुद का बनाया हुआ घी है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाला हुआ है। घी हमारा गरम हो गया है हल्का सा। अब इसमें हम एक कटोरी आटा डाल रहे हैं और इसको हम अच्छा से मिलाते जाएंगे। बराबर चम्मच चलाएंगे। इसको हल्के आंच से हमें मिलाना है, ब्राउन होने तक भूनना है। हमें आंच कम रखना है और चम्मच चलाते हुए हल्के बिस्किट रंग का कलर होते तक हमें भूनना है। अच्छा से थोड़ा ब्राउन दिख रहा है और घी का मस्त खुशबू आ रहा है। हल्का हल्का भुनाने का खुशबू आ रहा है और अच्छा लग रहा है। इसको हमें बराबर अच्छे से मिलाते हुए और कम से कम 5-6 मिनट पकाना है। हमारा ये बिस्किट कलर का अच्छा सुनहरा दिख रहा है और ज़्यादा करेंगे तो जली खुशबू आएगी खाने में, इसलिए अब इसको इसमें अब हम डालते हैं एक कटोरी पानी। और इसमें हम एक कटोरी शक्कर डाल रहे हैं और चम्मच अच्छा से चलाएंगे सबको। पानी डालने के बाद अपना ये है हलवा है वो एक साथ मिलने लग गया है और शक्कर भी प्राय घुल गया है। इसको हम 2-3 सेकेंड अच्छा से और मिलाएंगे। अच्छा से शक्कर और पानी मिल गया है और एक जगह समेटने जैसे हो रहा है हमारा हलवा और दिखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। शक्कर डालने के बाद हम 5-7 मिनट पका लिए हैं और हल्का हल्का घी छोड़ने लग गया है और हलवा तैयार हो गया है हमारा। और अब हम गैस बंद कर देते हैं। हमारा आटे का हलवा बनके तैयार है। ये ज़्यादातर गुरुद्वारा में प्रसाद के रूप में दिया जाता है और इसको बनाने में 25 से 30 मिनट लगा है और बहुत आसान है बनाने में भी। और ये सिंपल तरीका से हम गुरुद्वारा में जैसा बनता है वैसे हम बनाए हैं। और बनाइएगा एक बार और खाइएगा और अपना अनुभव मेरे किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।